लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। याद है मैंने आप लोगों को हम तक और शक्तिमान की कहानी सुनाई थी। अयो सुधांशु जी, हमने तो उस कहानी का ये देखिए स्केचेस भी तैयार कर लिया है। अरे इसके आगे की कहानी भी मैंने जान ली है। अरे ये लेकिन की व्यापार बाबा, ये सुबह सुबह कहानी सुनाने का मूड आपको कैसे हो गया? अयो घोष बाबू, सुधांशु जी कल रात को बहुत गहरी नींद में सोया, सपने में शक्तिमान का कहानी देखा, इसलिए आके सुनाते। सपने में नहीं, मैंने गीता की लिखी हुई ये फाइल पढ़कर कहानी जानी है। अब से जितनी भी कहानी आई है ना, सबसे बिल्कुल अलग है ये कहानी। अप्रिया, तो फिर सुनाओ ना जी। इस कहानी का गीता ने नाम दिया है शक्तिमान और डाकोड़ा का मुकाबला। डाकोड़ा आग से बना आदमी था। अंधेरे के राजा तमराज किल्विश ने उसे शक्तिमान से लड़ने के लिए हजारों साल की नींद से जगाया था। डाकोड़ा, डाकोड़ा को जगाने की वजह अंधेरे की जरूरत। तमराज, आप अंधेरा कायम रहे हमेशा। अगर तू ऐसे ही सोता रहा तो नहीं कायम हो पाएगा अंधेरा। डाकोड़ा के रहते ऐसा कभी नहीं होगा तमराज। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुझे जगाने आया हूँ डाकोड़ा। एक अदना सा इंसान शक्तिमान, एक आम इंसान अंधेरे के रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। अंधेरे के वजूद को खतरा पैदा हो गया है उससे। एक आम इंसान से अंधेरे को खतरा, ये कैसे मुमकिन है? इसे मुमकिन बनाया है सूर्यांशियों ने, उस अदने से इंसान को योग की शक्ति देकर। दरअसल ये वही बच्चा है जिसका जन्म हिमतुंग शिखर पर हुआ था और जिसे मैं मारकर अमर बनना चाहता था, मगर मेरी बदकिस्मती कि वो मेरे हाथों मरने से बच गया। और सूर्यांशियों द्वारा दी गई योग विद्या से इतनी शक्तियां हासिल कर ली हैं उसने कि आज वो अंधेरे को टक्कर देने लगा। हुकुम मेरे लिए क्या हुकुम है? शक्तिमान का खात्मा। कहां मिलेगा वो? अंधेरा नहीं जानता उसका ठिकाना, लेकिन इतना जरूर जानता है कि वो गरीबों का मसीहा है और मुसीबत में लोगों की मदद करने फौरन चला आता है। बस
डकोड़ा समझ गया महामहिम उसे क्या करना है। अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्ति हो, शक्ति हो, शक्ति हो। टेंशन नहीं लेने का, तू टेबल तू क्या हुआ, तेरे को महान संगीतकार बना सकता हूँ मैं। महान संगीतकार हो सकता है, सुन देख, ब्रेक होता है अपना, सिगरेट ब्रेक होता है अपना, अपन ग्रेट आदमी है ना। माचिस डार्लिंग, आज आज मेरी जान नाराज हो गई क्या, तू टेंशन नहीं लेने का। अरे मेरी डार्लिंग किधर चली गई भाई, शराब खत्म, म्यूजिक खत्म, अरे मैं क्या करूं। अपने दोस्त के लिए माचिस नहीं, जल गई, जल गई। अब भाई साहब, ओ भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आप तो लाइटर है, लाइटर डिचके डिचके। अरे बाप रे, ऐसा दिखता है शक्तिमान, अब तुझे जलाकर राख में बदल देगा डाकूड़ा। धूमकेतु विनाशक एक ऐसी आफत बनकर पृथ्वी की ओर चला आ रहा था जिससे होने वाली पृथ्वी की टक्कर को रोकना न केवल मुश्किल बल्कि असंभव हो गया था, और पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को यह यकीन हो गया था कि अब धूमकेतु विनाशक द्वारा पृथ्वी का विनाश निश्चित है। तब उस वक्त हमेशा की तरह मानवता का रक्षक शक्तिमान अंतरिक्ष में आया और पृथ्वी को नष्ट करने वाले विनाशक को नष्ट कर पृथ्वी को विनाश से बचा लिया, और ऐसा करके शक्तिमान ने पृथ्वी को एक नया जन्म दिया है जिसके लिए पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी शक्तिमान का कृतज्ञ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में शक्तिमान को इस सदी का मसीहा कहते हुए कहा है, शक्तिमान सचमुच इस युग की जरूरत है। और अब हम आपके सामने ला रहे हैं शक्तिमान से जुड़ा एक नया रहस्य। भूतपूर्व भारतीय सैनिक सूबेदार मोहम्मद कासिम काजी ने यह दावा किया है कि वो शक्तिमान के पिता को जानते हैं। प्रस्तुत है उनके घर पर हुए हमारे विशेष संवाददाता इस्माइल खान की उनसे हुई भेंट वार्ता। कासिम साहब, क्या यही है शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह? जी हाँ, यही है शक्तिमान के पिता। इनकी ये तस्वीर मैंने अपनी कल्पना से बनाई है, वो अब भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। स्मार्ट है ना? जब से शक्तिमान ने मुझे काराडूंगा के जंगलों से बचाया है, मेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई, और नहीं मैं ये जानता हूं कि वो कहां रहता है। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए मैं शक्तिमान से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेजर साहब को ढूंढ निकाले, और अगर हो सके तो मुझे मेरे घर आकर मिले।
मैं मेजर साहब के बारे में और भी बातें बताऊंगा। मेरा पता है, दूसरा मकान, गली नंबर 13, पीरगंज मोहल्ला। उम्मीद है शक्तिमान ने आपकी अपील जरूर सुनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। आपसे मैं विदा चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोहम्मद कासिम काजी। मम्मी, खिड़की का पर्दा अपने आप कैसे चलने लगा? अब तू मरेगा नहीं शक्तिमान, शैतान बनेगा शैतान, और तुझे शैतान बनने पे मजबूर करेगा तेरा पिता रंजीत सिंह। तू अंधेरे का गुलाम बनेगा शक्तिमान, अंधेरे का गुलाम। तेरे लिए सचमुच पहेली बन जाएगा शक्तिमान। और इस तरह डाकोड़ा शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह के रूप में बदल गया। साहब, आप सचमुच जिंदा हैं अभी तक? मुर्दे कभी सामने खड़े होकर बातें नहीं किया करते। हम तुम्हारे सामने पूरी तरह जीते जागते खड़े हैं। मुझे पूरा यकीन था मेजर साहब कि आप जिंदा हैं, इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर बनाई थी शक्तिमान को दिखाने के लिए, ताकि वो आपको ढूंढ सके। हाँ, आपको पता है शक्तिमान आपका ही बेटा है। पूरी तरह आपके नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में नेकी का साथ दे रहा है। वो सारी दुनिया उसे फरिश्ता कहती है, फरिश्ता। यही अफसोस की बात है जी, शैतान का बेटा कभी फरिश्ता नहीं हो सकता, उसे शैतान ही होना चाहिए। शैतान? हाँ, शैतान। शक्तिमान को शैतान बनाने के लिए आए हैं हम यहाँ। यही अंधेरे की जरूरत है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? यही के शक्तिमान को शैतान बनाना अंधेरे की जरूरत है। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे, आप तो सच्चाई पर मर मिट जाने वाले एक सिपाही थे। वो सच्चाई का हिमायती रंजीत सिंह तो बरसों पहले काराडूंगा की घाटियों में मिट चुका था। अब तो केवल शैतान रंजीत सिंह जिंदा है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया को शैतानियत की आग से जलाना। ताकि अंधेरा और ज्यादा फैल सके। या खुदा, ये रंजीत सिंह नहीं हो सकता। रंजीत सिंह कभी शैतान नहीं हो सकता। अगर ये रंजीत सिंह है तो क्या सचमुच तेरी दुनिया से सच्चाई का वजूद खत्म होने लगा है? मेरे बेटे शक्तिमान के शैतान बनते ही तेरी दुनिया से सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कासिम। नहीं, मेजर रंजीत सिंह, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। शक्तिमान कभी शैतान नहीं बन सकता, कभी नहीं। जब रंजीत सिंह शैतान बन सकता है तो रंजीत सिंह का बेटा शक्तिमान शैतान क्यों नहीं बन सकता? नहीं मेजर रंजीत सिंह, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। शक्तिमान कभी शैतान नहीं बन सकता, कभी नहीं। मम्मी, ये तो अपने दादाजान की पेंटिंग वाला दोस्त है रंजीत सिंह। शक्तिमान को मैं जानता हूँ मेजर, तेरे अंदर की सच्चाई मर चुकी है।
मगर शक्तिमान सच्चाई का जीता जागता नमूना है। अरे तू उसे क्या शैतान बनाएगा, बल्कि वो तेरे अंदर छिपे शैतान को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा वो। मगर इससे पहले तू खत्म होगा मेरे हाथों। नहीं मेजर, मेजर साहब नहीं, नहीं। हेलो इंस्पेक्टर काजी हेयर, आप जल्दी से आ जाइए, रंजीत सिंह घर में घुस आया है, अब्बू की जान खतरे में है। हाँ नहीं मेजर साहब रुक जाइए, नहीं नहीं। कैसे लगी? शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह ने ये आग लगाई है, उसके छूते ही सारी चीजें जलने लगती है। ये कौन आया अंदर से? अरे यही है वो रंजीत सिंह जिसने हमारे घर को आग लगाई है। अरे इसके छूने से सचमुच आग लग गई। शक्तिमान होता है जब आदमी को